नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं, प्लांट्स को सेव करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है और फ्लावरिंग जो है लंबे समय तक टिकाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो कल जो है हमारे अचानक बारिश हुई, बारिश के बाद जो है पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा खिल गए हैं, साफ सुथरे हो गए हैं और पानी की जो हमारे यहाँ किल्लत चल रही है कुछ निजात मिली है उससे। तो देखिए, मैं आज आपको अपने फ्रंट गार्डन में लगे हुए प्लांट की बारिश के बाद नज़ारा दिखाऊंगी, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी लाइन से अपने प्लांट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी आई, आंधी तूफान आया, काफ़ी नुकसान हुए, कुछ गमले भी गिरे हुए हैं कल रात को। तो पर उसके अलावा ये नहीं देखते हुए मैंने ये देखा कि मेरे पौधों को अच्छा पानी पीने को मिल गया है, तो मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो देखिए, मेरे जो है सबसे पहले ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट, देखिए ये पॉट में लगा हुआ प्लांट है और इसके पास जो है मेरे टिकोमा लगे हुए हैं। टिकोमा मेरे पास जो है तीनों वेराइटी के टिकोमा हैं। उस पर देखिए ये ऑरेंज कलर वाले दिखा रही हूँ। दो प्लांटर के बीच में जो जगह बचती दोस्तों, उससे मैंने इस तरीके से अपने पेंटास के प्लांट लगा रखे हैं, जो बड़े बड़े पॉट रख रखे हैं। ये येलो कलर का टिकोमा है, बहुत सारे फूल इनके झड़ चुके हैं क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश तूफान, बहुत ही कूड़ा कचरा निकला था और बहुत सारा नुकसान भी हुआ था, पर ये प्लांट बहुत खिले तो अच्छे लग रहे हैं। देखिए येलो टिकोमा है। जीनिया बिल्कुल मरणासन हो गए थे क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पसंद नहीं होता, गर्मियों का प्लांट तो है, पर जो है बारिश होने से इनमें निखार आ गया, इनके पत्तों में जो है डिजीज़ भी कम लगती हैं, तो बारिश इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। इस स्टैंड पर मेरे अडेनियम लगे हुए हैं। अडेनियम जो है ये बहुत लंबे समय से खिल रहे हैं, काफ़ी समय से खिल, कुछ पत्ते भी गिरा चुके हैं, तो कल जो बारिश से ये भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैंने अपने गार्डन में स्टैंड को जो है, जो मेरे बहुत सारे पॉट एक साथ कैरी करते थे, उनको दो जगह रख दिया है। तो इन पर टोकरियाँ रख रखी हैं। अभी जो है शाम का समय है, तो ये जो है तोरोनिया तो पूरे समय खिलते हैं, पर जो और प्लांट हैं इनके फ्लावर्स ख़त्म हो गए हैं। देखिए, पर तोरोनिया में अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। इसके बगल से दोस्तों ये देखिए ड्रेसिना का क्या हाल हो गया है, पत्ते जल जल के किस तरह से हो गए हैं, तो इसे काटना पड़ेगा। देखिए नए पत्ते में थोड़ी सी कल बारिश का पानी पड़ा है और पुराने पत्तों के हाल देखिए आप, तो जब बारिशें शुरू हो जाएंगी उसकी कटिंग कर दी जाएगी, जिससे कि ये प्लांट काफ़ी अच्छा चलता रहेगा। और ये देखिए ड्रेसिना कितना सुंदर है, ड्रेसिना यहाँ देखिए पूरा कलरफुल बना रखा है, पत्ते जो है बारिश में नहाने के बाद जो है और भी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए सारे मेरे क्रोटन, देखिए आप क्रोटन बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्रोटन हैं, ये देसी वेराइटी क्रोटन है और ये भी जो है विक्टोरिया ड्रेसिना है, इसके ऊपर से लगा हुआ ये जो है हमारा क्रोटन की ही देसी वैरायटी है। यहाँ पर मैंने कुछ कोलियस और कुछ फ्लावरिंग प्लांट, कुछ छोटे छोटे पॉट्स में प्लांट लगा के रख रखा है इस स्टैंड में। तो ये देखिए कोलियस जो है जैसे ही बारिश का पानी मिलेगा और भी सुंदर दिखाई देने जाते हैं, तो कोलियस की डिफरेंट वैरायटी आपको इस जगह पर देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मेरे पेंटाज और जो है ये देखिए खूब सुंदर तरह तरह के कलर के पेंटाज लगा रखे हैं, गॉम्फ्रिना लगा रखा है और जो जगह बचती है दोस्तों उनके बीच में जो है इस तरीके से देखिए जनाडू है और ये देखिए ये है बिगोनिया, ये डेंथस है। डेंथस जो है मैंने ये ऐसी वैरायटी है कि इसको मैंने सीड बनाने के रख रखा है, देखिए बहुत सुंदर डेंथस की वैरायटी है। तो ये जो है लंबे लंबे स्टिक आने के बाद आती है, ये मैं नैनीताल से लेके आई थी इसको। और यहाँ पर जो है मेरा कटिंग से तैयार हुआ, देखिए बहुत सुंदर लॉलीपॉप फ्लावर, ये कटिंग से देखिए फ्लावर आने लग गए हैं। और यहाँ पर मेरे पेंटाज के साथ साथ जो हैं अभी भी जेरेनियम फ्लावरिंग कर रहे हैं। यहाँ मेरे परमानेंट प्लांट रहते हैं, तो बहुत सारे परमानेंट प्लांट हैं। मैंने अपने इंडोर प्लांट को भी रात को जो है बाहर निकाला बादल बारिश में। ये अरेलिया देखिए, ये कोलियस है, ये पानी में कुछ कटिंग लगा रखी है। और ये देखिए खूबसूरत मेरे पोलकाडोट जो मुझे बहुत पसंद है। तीन वेरायटी आती है और तीनों ही वेरायटी मेरे पास मिलेंगी, कितने सुंदर कलर होते हैं, देखिए गर्मियों में कितने सुंदर लगते हैं। तो इनके ऊपर जो है बड़े पॉट रखे हुए हैं ईंट के ऊपर, तो ये मेरे सारे देखिए फाइकस, देखिए ट्राइंगुलर फाइकस, स्टार लाइट फाइकस, स्टार फाइकस। अब देखिए ये अरेलिया का बड़ा प्लांट है, इनसे तैयार हुए हैं। ये देखिए पीछे फर्न की वैरायटी है, इधर किनारे दीवार के साइड पानी नहीं पड़ा है, मैं सुबह भी डाल नहीं पाई, अरेलिया की दूसरी वैरायटी। और ये देखिए विंटर में बिल्कुल डल पोजिशन जा चुका था, फिर से ये खिलने लग गया है। और यहाँ पर देखिए मेरे ये ड्रेसिना लगे हैं, ये अरेलिया की दूसरी वैरायटी और ये देखिए फर्न की। इस विंडो पर मैंने देखिए दीवार पर कितने सारे प्लांट लगा रखे हैं, देखिए ये जो हैं हमारे कितने सुंदर लगते हैं, ये देखिए कुछ DIY प्लांटर ज़्यादा लगा रखे हैं इस दीवार पर। और ये देखिए रबर प्लांट कितना सुंदर लग रहा है, रबर प्लांट की भी तीनों वैरायटी हैं, ये देखिए एक वैरायटी रबर प्लांट में ये है,
यहाँ मेरे पूरे जो हैं मैंने संभाल के रख रखे हैं अपने बचाने के लिए, इनमें बारिश का पानी नहीं पड़ पाया है, तो ये सारे सेकुलेंट हैं, सभी भी चल रहे हैं हेल्दी। तो देखिए एक दिन मैं पूरा बताऊंगी मेरे पास कौन कौन से सेकुलेंट हैं, ढेरों सेकुलेंट लगा रखे हैं, और कुछ जो है सेकुलेंट जो है मैंने डिवाइड करके इस तरीके से नए प्लांट बना दिए हैं। ये देखिए यहाँ देखिए मेरे जरबेरा सबको मैंने सेव कर रखा है। ये देखिए जरबेरा में फ्लावर्स आने वाले हैं, तो जरबेरा के प्लांट जो हैं तेज़ गर्मी से बचाना इनको बहुत ज़रूरी है, तो ये सब सेव किए हुए हैं। और ये देखिए इसको फीशिया कहते हैं, तो फीशिया भी मैंने यहाँ पर रख रखा है, जो ये मेरे को सेव करने वाले प्लांट हैं। मधुमालती रात की बारिश से बहुत ज़्यादा फूल गिरा दिए हैं, तो देखिए अभी ऐसी दिख रही है और इसमें ढेरों फूल खिले हुए थे। सनफ्लावर तो बहुत सारी वैरायटी के छोटे छोटे फूल वाले भी खिले हैं, बड़े फूल वाले भी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये देखिए खूबसूरत मुसंडा, ये देखिए नया पौधा खिला है हमारे यहाँ, हेलिकॉर्निया रोस्ट्राट्रा, साल भर में एक बार खिलता है दोस्तों, बहुत वेट कराता है ये प्लांट, तो इतने सुंदर इसके फूल होते हैं। अब ये जो खिल गए हैं ब्रैकेट्स कहते हैं इनको, तो ये जो हैं बहुत समय तक जो है ऐसे ही बने रहते हैं। अभी देखिए छोटा है, कुछ दिनों बाद और बड़ा हो जाएगा, कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए ब्रैकेट्स से। ये देखिए मोर पंखिया कलर कितना निखर कर आया है, मौसम में राहत आई तो आपको हॉली हॉक भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। ये देखिए हेमेलिया, अरेलिया की एक वैरायटी, और ये देखिए जूनिपर, मून साइन स्नेक प्लांट, और ये देखिए एक्लिफा, कोलियस की एक वैरायटी कटिंग से नई तैयार की गई है। ये है पेंसिल कैक्टस, ये इरेंथिमम, और ये देखिए सेंचाइजा, जेरेनियम आई भी देखिए दो कलर में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए चांदनी में ढेरों फूल खिले हुए हैं। ये देखिए खूबसूरत रसेलिया, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए सदाबहार हाइब्रिड वैरायटी में, ये देखिए बहुत सुंदर कलर है इनके। ये देखिए गिलाडिया येलो कलर, ये देखिए ये हैं गिलाडिया की डॉर्फ वाली वैरायटी रेड कलर की, देखिए कितने फूल खिले इनमें। सनफ्लावर की दूसरी वैरायटी देखिए कितनी सुंदर है, सामने सुबह बहुत अच्छी फूलों में खिली थी, कल रात की बारिश से इसकी भी बहुत फूलों का नुकसान हुआ है। बोगनवेलिया बहुत सारी वैरायटी में और खिला हुआ है। तो दोस्तों मैंने आज आपको अपने बारिश के बाद के गार्डन का नज़ारा दिखाया, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।